नमस्कार चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपको बहुत ही प्यारा सा तोरण डिजाइन बनाना बताएंगे फ्रेंड्स देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है तो हमने यहाँ पे इसमें हमने तीन कलर का ऊन यूज किया है फ्रेंड्स तो कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो कलर आपको पसंद हो और बहुत ही प्यारा सा तोरण आप इसको बनाइएगा जरूर जब दरवाजे पे लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और इसको हमने गोल राउंड शेप में बनाया है देखिए कितना प्यारा सा ये तुरन बना है और बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार होता है तो इस तुरन को मैंने दो पार्ट में बना के तैयार किया है फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो तीन पार्ट में भी इस तुरन को बना सकते हैं और इसमें ऊन कितना लगा है और इसकी साइज सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी इस वीडियो में तो बनाने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा तो चलिए इस तुरण को हम बनाना स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा तो देखिए फ्रेंड्स इसी पट्टी में मैं तुरंत को तैयार करूँगी और इसका वीडियो मैंने बना के अपलोड किया है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो फ्रेंड्स ये देखिए इसमें जो हमने पप बनाया है तो इसमें देखिए फिफ्टी टू पप बना के इस पट्टी को हमने तैयार किया है और इसकी लंबाई है थर्टी फोर इंच तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से देखिए हम काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो एक साइड में देखिए तेरह है इसके दूसरे साइड में भी तेरह है तो यहाँ से मैं स्टार्टिंग करना है तो इसमें एक पार्ट बनाने के लिए टोटल छब्बीस पप है और चौदहवें वाले पप से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स ताकि ये बीच में आए और यहाँ नोट लगाते हुए पहले धागे को निकालना है देखिए इस तरह से यहाँ से निकाल के अब यहाँ पे हमें छः चैन बनाना है तो छः चैन बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये दूसरा देखिए पप है यहाँ पे लाके इसको ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए बीच में है ये डिजाइन जो बना बीच में है दोनों पार्ट का तो इसी में हम एक पार्ट बना के तैयार करेंगे राउंड शेप में और यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट पफ है इसमें हम यहाँ पे लाके इसको दो चैन करके यहाँ पे लाके इसको लॉक करेंगे फिर इसके आगे देखिए यहाँ जो चेन बनाया है इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए यहाँ पे दो डबल क्रोशिया हो गया फिर एक चेन बनाएंगे अब इसके आगे हमें बनाना है तीन डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे बन गया फिर यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे एक चेन करके फिर तीन डबल क्रोशिया में बनानी है तो इसमें पांच डिजाइन बनेगा तीन तीन डबल क्रोशिया का और यहाँ पे एक चेन करके लास्ट में देखिए तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए बन गया है तो इसमें देखिए एक दो तीन चार पांच डिजाइन इसमें बना है तीन तीन डबल क्रोशिया का और इसके आगे देखिए जो नेक्स्ट पफ है इसके फंदे में इसको लॉक कर देंगे अब यहाँ पे दूसरा धागा लगाएंगे पहले बीच का यहां पे डिजाइन बनाएंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए पप के फंदे से यहाँ से पहले हम नोट लगाते हुए धागे को इसके अंदर से निकालेंगे और इसको लॉक कर लेंगे लॉक करने के बाद देखिए जो बीच का डबल क्रोशिया है फ्रेंड्स ये देखिए ये वाला किनारे का चैन है फिर यहाँ पे दो डबल क्रोशिया हमने बनाया तो जो बीच वाला है उसी के फंदे में से यहाँ देखिए यहाँ से हम धागे को निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम चार राउंड धागा निकालेंगे और देखिए फिर यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक करना है इस तरह से फिर एक चेन बनाएंगे फिर इसके आगे देखिए जो नेक्स्ट वाला देखिए फंदा है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो बीच में देखिए डबल क्रोशिया है इसके फंदे से यहाँ से चार राउंड हम धागा निकालेंगे तो धागा निकालने के बाद देखिए इन सभी फंदों को एक साथ बंद करना है बंद करने के बाद इसके आगे देखिए नेक्स्ट वाले जो फंदा है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे फिर यहाँ पे एक चैन बनाएंगे फिर आगे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और जो बीच का देखिए है फ्रेंड्स यहाँ पे हमें चार राउंड ऐसे धागा निकाल के लेना है जैसे हमने दो बना के दिखाया पफ उसी तरह से हम पफ बनाएंगे तो यहाँ पे चार राउंड हम धागा निकाल ले रहे हैं और एक साथ बंद करके फिर इसके आगे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे जो इसके आगे फंदा है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर जो बीच में डबल क्रोशिया है फ्रेंड्स वहाँ पे हमें पब को बना लेनी है तो इसी तरह से इसमें पांच डिजाइन बनेगा तो इसको हम बना ले रहे हैं और यहाँ पे धागे को कट कर देंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे पांच डिजाइन यहाँ हमारा बन के तैयार हो गया है अब इसके आगे देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे चैन तो यहाँ पे तीन चैन बनाएंगे तीन चैन बनाने के बाद देखिए नेक्स्ट वाले पफ में यहाँ पे लाके इसको लॉक कर देना है और एक चैन बनाएंगे फिर इसको हम घुमा लेंगे फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से इसको घुमा लेना है अब यहाँ पे देखिए जो किनारे का यहाँ पे फंदा है मैं दिखा दे रही हूँ पहले इसको सीधा करके ये वाला देखिए ये जो फंदा दिख रहा है इसी में हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है तो यहाँ पे दो डबल क्रोशिया हम बना ले रहे हैं इसके फंदे में ये देखिए बन गया चैन को लो के इसमें तीन डबल क्रोशिया फिर एक चैन बना के ये देखिए जो नेक्स्ट वाला फंदा है इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले फंदे में ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो फंदा दिख रहा है इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक चैन बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले फंदे में तीन डबल क्रोशिया और यहाँ पे देखिए एक चेन बना के फिर उसी तरह से नेक्स्ट वाले फंदे में तीन डबल क्रोशिया और यहां पे एक चेन बनाएंगे और लास्ट में देखिए तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए नेक्स्ट वाले पप के फंदे में इसको लॉक करके धागा यहाँ पे हमें छोड़ देना है अब यहाँ पे इसको डिजाइन हम बनाएंगे पहले तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः डिजाइन इसमें बना है तो जैसे हमने पिंक वाला डिजाइन पप में बनाया उसी तरह से ग्रीन से बनाएंगे तो किनारे से ही स्टार्टिंग करना है बिल्कुल उसी तरह से नोट लगाते हुए धागे को यहाँ पे निकालेंगे और इसको लॉक करके फ्रेंड्स पहले तो इसको लॉक करेंगे लॉक करने के बाद देखिए बीच का जो डबल क्रोशिया है ये वाला इसके फंदे में से यहाँ से चार राउंड धागा निकालेंगे निकालने के बाद फंदों को बंद करेंगे और यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट वाला फंदा है इसके फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और एक चेन बनाएंगे फिर यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और जो बीच वाला देखिए डबल क्रोशिया है उसके फंदे में चार रंग धागा निकाल के पब बनाएंगे तो इसी तरह से इसे बनाते हुए बना लेना है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये देखिए दो डिज़ाइन हमने बना के दिखाया है बिल्कुल इसी तरह से इसको हम बना लेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे छह डिजाइन बन के तैयार हो गया है अब यहाँ पे जो हमने धागा छोड़ा है उसमें हम पंद्रह चैन बनाएंगे तो पंद्रह चैन बन गया है फ्रेंड्स इसको हम उल्टा करेंगे और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स ये बराबर आ रहा है तो इसमें देखिए चार पप को छोड़ना है मैं दिखा दे रही हूँ यहाँ से देखिए ये देखिए एक दो तीन चार चार पप छोड़ के पाँचों वाले में यहाँ पे हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही फंदे में तीन डबल क्रोशिया बनानी है तो देखिए फ्रेंड्स पहले मैं चैन को दिखा दे रही हूँ देखिए यहाँ पे पंद्रह चैन में बराबर आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे एक चैन बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले फंदे में तीन डबल क्रोशिया बनानी है एक चैन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले फंदे में तीन डबल क्रोशिया तो इसी तरह से इस लाइन को कंप्लीट करना है तो तीन डिजाइन हमने बनाया इसके आगे तीन डिजाइन और बना लेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे डिजाइन को हमने बना लिया है तो इसमें टोटल छः डिजाइन बना है और यहाँ पे एक चैन करके इस तरह से इसको घुमाएंगे और फ्रेंड्स ये देखिए एक एक फंदे में एक एक स्लिप स्टिच लगाते हुए इस फंदे को हमें बीच में करना है यहाँ पे इस तरह से कर लेना है फिर यहाँ पे देखिए चेन बना के छोड़ देना है धागे को अब इसके आगे यहाँ पे दूसरा धागा लगाएंगे तो किनारे से देखिए चैन के फंदे में इसको लॉक कर लेना है नोट लगा के इस फंदे को यहाँ पे लॉक करेंगे लॉक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स जो बीच का यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया है उसके फंदे में से यहाँ से भी चार राउंड धागा निकाल के क्रोशिया में लेना है और इन फंदों को एक साथ बंद करेंगे तो देखिए पब बन गया और नेक्स्ट वाले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक करेंगे इस तरह से फिर इसके आगे एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखिए जो ये दूसरा देखिए तीन डबल क्रोशिया का फंदा है फर्स्ट वाला उसी के फंदे में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से इसको बंद करेंगे इस तरह से बंद करने के बाद देखिए बीच वाला जो डबल क्रोसिया है फ्रेंड्स ये वाला इसके अंदर से चार राउंड धागा निकाल के पब बनाएंगे तो बहुत ही आसान डिजाइन है फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा स्किप करके ना देखिएगा और यहाँ पे देखिए एक हम सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक करेंगे नेक्स्ट वाले फंदे में इस तरह से और एक चैन बनाएंगे फिर नेक्स्ट वाले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया और बीच वाले फंदे में यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया के बीच वाले फंदे से हम धागे को निकाल रहे हैं तो चार राउंड यहाँ पे धागा निकाल के इसको लॉक करेंगे लॉक करने के बाद देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन करके नेक्स्ट वाले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया तो ये देखिए तीन पप बना के हमने दिखाया है फ्रेंड्स इसी तरह से आगे तीन पप और हम बना लेंगे यहाँ तक तो फ्रेंड्स ये देखिए इसे हमने कंप्लीट कर लिया है तो इसको मैं दिखा दे रही हूँ अब यहाँ पे देखिए जो हमने चैन बना के धागे को छोड़ा है पहले तो हम चैन को खोलेंगे और देखिए इस साइड अपनी तरफ इसको कर लेना है फंदे को अब इसके आगे तीन चेन बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया देखिए तीन चैन बन गया इसके अंदर हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया तो इस तरह से बनाना है फ्रेंड्स एक चेन बनाएंगे फिर नेक्स्ट वाले फंदे में तीन डबल क्रोशिया देखिए फिर यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले फंदे में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से इस लाइन को भी बना लेना है तो इसमें छः डिजाइन बनेगा तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हमने छः डिजाइन बना लिया है अब यहाँ पे हम पंद्रह चेन बनाएंगे पंद्रह चैन बन गया है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ज्वाइन करना है तो देखिए चैन बराबर आ रहा है इस तरह से आप ही इसको देख लीजिएगा बराबर आए और यहाँ पे देखिए ये फंदा जो दिख रहा है फ्रेंड्स ये देखिए जो नीचे व्हाइट वाला फंदा है इसी में इसको हमें स्लिप स्टिच लगा के लॉक करना है और इसके आगे पंद्रह चेन बनाएंगे पंद्रह चैन यहाँ पे बन गया है देखिए अब इसको हम इस तरह से उल्टा साइड कर लेंगे क्योंकि ये दोनों साइड से बनेगा सीधा साइड से भी बनेगा उल्टा साइड से भी बनेगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे चैन के फंदे में बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, ये देखिए फ्रेंड्स तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे धागे को इसी पे छोड़ देना है अब यहाँ पे हम पहले यहाँ पे देखिए पप वाला डिजाइन बनाएंगे तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया उसी तरह से इसको भी बना लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन कलर से पप को बना के तैयार किया है अब यहाँ पे जो हमने धागे को छोड़ा है देखिए तीन डबल क्रोशिया बना के हमने यहाँ पे धागे को छोड़ दिया था अब इसके आगे हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक चैन तो मैं दिखा दे रही हूँ ये देखिए एक चैन यहाँ इस तरह से बना के नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए बन गया फिर आगे इसके हम एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले फंदे में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसी तरह से इस लाइन को कंप्लीट करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए छः डिजाइन बन गया है एक चेन करके इसको हम सीधा करेंगे और यहाँ पे तीन स्लिप स्टिच लगाएंगे और देखिए इस तरह से चेन बना के धागे को छोड़ देना है अब इसके आगे पप को बना के तैयार कर लेना है तो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है पप फिर यहाँ पे हम ग्रीन कलर से बना लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो पप हमने ग्रीन कलर से बनाया है अब इसके आगे धागे को यहाँ पे जो हमने छोड़ा है पहले यहाँ पे खोल के और इस फंदे को अपने तरफ करेंगे उसके बाद हम इसमें चैन बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे तीन चैन तीन चैन बनाने के बाद इसी के अंदर हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से एक चैन बना के और नेक्स्ट वाले फंदे में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन बनाएंगे फ्रेंड्स देखिए इस तरह से बना लेनी है तो यहाँ तक हम बनाएंगे तो देखिए इसमें छह डिजाइन बना है अब यहाँ पे पंद्रह चैन बनाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स पंद्रह चैन हमने बना लिया है और जिसमें देखिए हमने तीन लाइन बनाया है उसके फंदे में अब यहाँ पे इसको लॉक नहीं करना है अब यहाँ पे देखिए इसके नेक्स्ट वाले फंदे में जो ग्रीन कलर का देखिए पप है उसके नीचे जो ये देखिए फंदा है उसी में हम इसको लॉक कर रहे हैं फिर इसके आगे हम पंद्रह चैन बनाएंगे पंद्रह चैन बनाने के बाद इसको घुमा लेना है फिर यहाँ पे देखिए ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसके आगे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे अब यहाँ पे धागे को छोड़ के अब इसके अंदर देखिए पब बना लेनी है तो इसके आगे देखिए हम यहाँ पे पिंक लगाए हैं स्टार्टिंग में फिर यहाँ पे हम पिंक लगाएंगे बीच में देखिए हमने दो लाइन ग्रीन का बनाया है उसके बाद फिर हम तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसी तरह से इस लाइन को बनाना है तो मैं दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट राउंड में हमने तीन लाइन बनाया है उसके बाद हम दो लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए दो लाइन बनानी है यहाँ पे हमने बनाया फिर यहाँ पे बनाएंगे फिर यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे तो तीन पब में बनेगा और बीच में दो दो रहेगा तो इसी तरह से इस लाइन को बना लेना है तो फ्रेंड्स ये देखिए इस लाइन को हमने यहाँ पे बना लिया है और इसमें कितना लाइन बनाए तो मैं काउंट कर दे रही हूँ देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह लाइन है इसमें तो इसमें हमने तेरह लाइन बना के इसे कंप्लीट कर लिया है तो एक साइड का बन गया है बिल्कुल इसी तरह से इसके दूसरे साइड भी बनानी है तो एक लाइन में बना के दिखा दी रिफ्रेंस इसी तरह से जैसे फर्स्ट वाला लाइन हमने बनाया है उसी तरह से ये दूसरा भी लाइन बनेगा तो एक लाइन में बना के दिखा दे रही हूँ तो यहाँ से देखिए स्टार्टिंग करेंगे ये जो पप दिख रहा है उसके किनारे वाले फंदे से स्टार्टिंग करना है नोट लगाते हुए धागे को यहाँ से निकाल लेना है और इसमें पंद्रह चैन बना लेनी है फ्रेंड्स तो यहाँ पे पंद्रह चैन बन गया है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे देखिए चार पप को हमें स्किप करना है छोड़ देना है तो ये देखिए चार पफ हम छोड़ के पांचवे वाले में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे यहां पे देखिए इसके फंदे में तीन डबल क्रोशिया बना लेनी है और इसके आगे देखिए इस तरह से मैं दिखा दे रही हूं पहले तो देखिए चेन बराबर है दोनों साइड का पंद्रह पंद्रह चेन में बराबर आ जा रहा है फिर एक चेन बनाएंगे नेक्स्ट वाले फंदे में तीन डबल क्रोशे बनाएंगे तो इस तरह से फिर यहाँ पे एक चेन करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले फंदे में तीन डबल क्रोशे बनाएंगे तो एक चेन बना के नेक्स्ट वाले फंदे में तीन डबल क्रोशिया बना लेनी है तो इसी तरह से इस लाइन को बनाना है फ्रेंड्स तो देखिए तीन डिजाइन हमने बना के दिखाया आगे तीन डिजाइन और बना लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें छह डिजाइन बन गया है एक चेन करके इसको घुमा लेना है और यहाँ पे तीन स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पे चेन बना के धागे को छोड़ देना है अब इसके अंदर हमें पब बनानी है फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे हम पिंक कलर से पब बना लेंगे तो इसी तरह से बनाते हुए तेरह लाइन कंप्लीट कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए फर्स्ट वाला पार्ट मैं दिखा दे रही हूँ और ये देखिए ये सेकेंड वाला पार्ट है तो इसमें भी तेरह लाइन बना है तो ये देखिए यहाँ से मैं दिखा दे रही हूँ अब इसके आगे इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करते हुए बनाएंगे तभी हमने देखिए इस लाइन में पिंक पफ नहीं बनाया है फ्रेंड्स दूसरे वाले पार्ट वाले लाइन में अब यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे जो फर्स्ट वाला देखिए पब का लाइन है उसी के फंदे से यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे तो धागे को यहाँ नोट लगाते हुए इसके अंदर से निकालेंगे अब इसके आगे देखिए फ्रेंड्स ये दूसरा पार्ट लेना है अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक करेंगे यहाँ पे देखिए दूसरे पार्ट में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से अब यहाँ पे पब बनानी है तो बीच वाले फंदे में यहाँ पे देखिए इसके अंदर पब बनाएंगे तो चार राउंड यहाँ से धागा निकाल लेना है फ्रेंड्स और एक साथ बंद करेंगे बंद करने के बाद इसको हम नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे देखिए इसके आगे नेक्स्ट वाले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया और जो बीच वाला देखिए डबल क्रोशिया है उसमें हम पब बनाएंगे तो इसी तरह से इस लाइन को आगे हम कंप्लीट कर ले रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स इस लाइन को हमने बना के कंप्लीट कर लिया है अब इसके आगे देखिए तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे तो धागा हमने यहाँ पे छोड़ा है और इसको खोल लेंगे और पहले फंदे को अपनी तरफ करेंगे अब यहाँ पे बनाएंगे तीन चैन तीन चैन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनानी है बिल्कुल उसी तरह से इस लाइन को बनाना है फ्रेंड्स और एक चैन बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले फंदे में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन करके नेक्स्ट वाले फंदे में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें तीन तीन डबल क्रोसिया का पांच डिजाइन बनेगा अब छः नहीं बनाना है क्योंकि हम बीच वाले फंदे से इसको घटाएंगे दोनों पार्ट के बीच से यहाँ पे घटता हुआ बनेगा तो पहले यहाँ पे पांच डिजाइन इसको हम बना ले रहे हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए पांच डिजाइन यहाँ पे बन गया है देखिए पांच डिजाइन है अब इसके आगे इसको घटाना है बीच वाले फंदे को स्कीप करना है फिर इसके आगे देखिए नेक्स्ट वाले, वाले फंदे से यहाँ से हम बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया हर लाइन में आपको यहाँ पे बीच वाला फंदा स्कीप करना है फ्रेंड्स तभी बीच वाला स्कीप करेंगे तभी यहाँ पे घटेगा तो ये देखिए मैं दिखा दे रही हूँ ये देखिए बीच वाले फंदे को हमने स्कीप करके इसको बनाया है तो हर लाइन में इसी तरह से बनानी है आपको तो आगे इसी तरह से फ्रेंड्स पांच डिजाइन इसमें भी बना लेना है तो मैं बनाना आपको बता दे रही हूँ पहले मैं इसको सीधा करके दिखा दे रही हूँ ये देखिए तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बीच वाले फंदे को हमने स्कीप कर दिया है ये यह देखिए यहाँ पे बनानी है बीच का स्कीप करके बनाना है तो इसी तरह से आप बीच वाला फंदा भी स्कीप करके इसको बनाते जाइए ये घटता हुआ जाएगा और किनारे से भी यहाँ पे देखिए ये घट रहा है ये देखिए यहाँ से भी घट रहा है और बीच वाले फंदे से भी आपको घटानी है तो इसी तरह से इसको घटाते हुए हम इसे बना लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको बना लिया है ये देखिए मैं दिखा दे रही हूँ इस तरह से ये लास्ट तक हमने बना लिया है ये देखिए दोनों पार्ट यहाँ पे हमने जॉइंट कर दिया है और यहाँ पे बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे ज्वाइंट हुआ है ये राउंड शेप में बन गया है अब इसके आगे इसका बॉर्डर बनाना बताएंगे तो किनारे से स्टार्टिंग करना है तो यहाँ पे देखिए एक स्लीप स्टिच लगाएंगे इसके फंदे में और यहाँ पे बनाएंगे तीन चैन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट वाले फंदे में एक स्लीप स्टिच ये देखिए जो फंदा दिख रहा है किनारे का इसमें एक स्लिप स्टिच लगानी है फिर इसके आगे तीन चैन बनाएंगे फिर नेक्स्ट वाले फंदे में स्लिप स्टिच ये देखिए इस तरह से बनानी है फिर यहाँ पे तीन चैन नेक्स्ट वाले फंदे में स्लिप स्टिच तो इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है तो फ्रेंड्स ये देखिए इस लाइन को हमने बना के कम्प्लीट कर लिया है मैं दिखा दे रही हूँ ये देखिए तो लास्ट में देखिए यहाँ पे किनारे पे हमने धागे को कट कर दिया है अब इसके आगे से यहाँ पे हम डिज़ाइन को बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग करना है सबसे पहले तो देखिए फंदे में इस तरह से नोट लगानी है और यहाँ पे धागे को निकाल के इसको लॉक करेंगे अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला देखिए फंदा है ये देखिए चैन का जो फंदा हमने बनाया इसमें से दो राउंड धागा निकाल के क्रोशिया में लेके और इसको बंद कर देंगे इस तरह से फिर उसी तरह से देखिए दो राउंड धागा निकाल के क्रोशिया में लेके और इसको बंद कर देंगे फिर यहाँ पे देखिए दो राउंड धागा निकालेंगे इसी के फंदे में से तो इसी तरह से बनाना है दो दो राउंड का यहाँ पे पप बनेगा ज़्यादा मोटा पप नहीं बनाना है बस दो राउंड का इसको बनाना है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें एक दो तीन चार पाँच पफ हमने बनाया है अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे एक स्टिच लगा के इसको लॉक करेंगे इस तरह से और नेक्स्ट वाले फंदे में से देखिए दो राउंड धागा निकालना है और इसको लॉक करना है देखिए बंद करने के बाद फिर दो राउंड धागा निकालेंगे उसी तरह से और इसको भी बंद करेंगे फिर इसी के फंदे में से दो राउंड धागा निकालेंगे तो इसी तरह से बनाते हुए टोटल इसमें पांच पब बना लेना है तो फ्रेंड्स देखिए पांच पब बन गया है अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले फंदे में स्लीप स्टिच लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए दो डिज़ाइन जैसे हमने बनाया उसी तरह से आगे में बना लेना है तो फ्रेंड्स ये देखिए इसको हमने बना लिया है मैं दिखा दे रही हूँ ये देखिए लास्ट तक बना के फ्रेंड्स इसको धागे को कट करना है फिर किनारे से ही बनाएंगे हम अब यहाँ से देखिए अब यहाँ से दूसरा धागा लगाएंगे तो पहले धागे में नोट लगाएंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको लॉक करेंगे अब नेक्स्ट वाले फंदे में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से फिर इसके आगे एक चैन बनाएंगे। नेक्स्ट वाले, वाले फंदे में एक स्लिप स्टिच और एक चैन फिर नेक्स्ट वाले फंदे में एक स्लिप स्टिच और एक चैन और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में स्लिप स्टिच और एक चैन नेक्स्ट वाले फंदे में एक स्लीप स्टिच एक चैन और यहाँ पे देखिए बीच वाले फंदे में यहाँ पर भी हमें एक स्लिप स्टिच लगानी है फिर उसके आगे देखिए यहाँ पे एक चैन करके और नेक्स्ट वाले फंदे में स्लिप स्टिच और एक चैन इसी तरह से इस लाइन को आपको कंप्लीट करना है तो इसी तरह से इसे हम कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको बना के कम्प्लीट कर लिया है बार्डर यहाँ पे हमारा बन गया है तो मैं इसको लास्ट तक आपको दिखा दे रही हूँ ये देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे देखिए इसको बना के धागे को कट कर दिया है अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसके बीच वाले फंदे में जहाँ चैन हमने बनाया है, वहाँ पर बनाएंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए जो पफ है किनारे का यहाँ से स्टार्टिंग करना है और धागे में पहले नोट लगाएंगे इस तरह से फिर यहाँ पे देखिए दो चेन बनानी है एक और दो दो चैन बनाना है फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए ये जो चेन का लाइन है इसको लेना है और एक स्लिप स्टिच इसमें लगा देनी है इस तरह से फिर इसके आगे हम दो चेन बनाएंगे फिर देखिए दूसरा चेन का ये धागा लेना है फिर इसमें देखिए एक स्लिप स्टिच लगानी है फिर दो चेन बनानी है और फिर इसके आगे देखिए चैन का धागा लेना है फिर उसमें हमें स्लिप स्टिच लगाना है तो इसी तरह से इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है फ्रेंड्स तो देखिए आगे इसे हम बना के कम्प्लीट कर ले रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स इसको हमने बना के कम्प्लीट कर लिया है अब यहाँ पे देखिए बनाएंगे जहाँ हमने यहाँ पे ग्रीन पब बनाया है तो इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे तो पप के फंदे से ही स्टार्टिंग करना है नोट लगाते हुए धागे को यहाँ से निकालना है फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से और लॉक करना है लॉक करने के बाद देखिए जो ग्रीन का देखिए फंदा है बीच में ये वाला इसमें से देखिए हमें धागा निकाल के इस तरह से में लेना है तो दो राउंड धागा निकालेंगे और इसको बंद करेंगे फिर इसी तरह से देखिए इसी के फंदे में दो राउंड धागा निकालेंगे और इसको बंद करेंगे तो इसी तरह से इसमें चार पफ बनानी है दो दो राउंड का तो फ्रेंड्स ये देखिए इसमें चार पप है फिर नेक्स्ट वाले फंदे में देखिए जो ग्रीन का ये चैन बना है उसी में हम स्लिप स्टिच लगा के इसको लॉक करेंगे फिर नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे चार पप बनाएंगे तो इसी तरह से इस लाइन को भी कंप्लीट करना है तो इसी तरह से इसे कंप्लीट करना है फ्रेंड्स और इसमें देखिए बार्डर जो बनाना है तो एक चैन और एक स्लिप स्टिच लगा के इसका बार्डर भी कंप्लीट कर लेना है तो इसको हम कंप्लीट करके बार्डर बना लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बीच का डिजाइन है कंप्लीट हमने कर लिया है देखिए इस तरह से दिखेगा बहुत ही प्यारा सा तोरण बनाए फ्रेंड्स आप इसको जरूर बनाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा तो यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ एक पार्ट है अभी मैं इसका दूसरा भी पार्ट आपको दिखाऊंगी तो ये देखिए ये दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स इसका और वीडियो अगर अच्छा लगा हो डिजाइन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा डिजाइन आप लोगों को कैसा लगा और फ्रेंड्स तोरण का डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को ताकि आपके फ्रेंड्स भी बना सकें और हमारे चैनल भी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हमेशा हमारे चैनल पर यूनिक यूनिक डिज़ाइन सीखने को मिलता रहेगा फ्रेंड्स और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा उससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ थैंक यू